अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फरखंदा, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू। मैं बी पार्ट फर्स्ट के बच्चों के लिए मेयार अदब का एक सबक नमक का दरोगा, जो कि मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ है। बच्चों, आपने इससे पहले भी मुंशी प्रेमचंद के अफसाने पढ़ चुके होंगे स्कूल में। ईदगाह एक सबक था मुंशी प्रेमचंद का, वो आपने पढ़ा होगा। मुंशी प्रेमचंद बहुत सादा और सलीस ज़बान के अंदर अफसाने लिखते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने ज़्यादातर निचले तबके और किसानों यानी काश्तकारों के लिए अपने अफसाने लिखे हैं, और मुंशी प्रेमचंद ही ऐसे पहले अफसाना निगार हैं जो कि उन्होंने मिडिल क्लास यानी मुतवस्सित तबका और निचला तबका और हिंदुस्तान के किसानों के बारे में लिखा है। मुंशी प्रेमचंद को हम उर्दू का पहला अफसाना निगार मानते हैं। उन्होंने उनका पहला अफसाना बड़े घर की बेटी और उनका पहला अफसानवी मजमूआ सोज़े वतन के नाम से शाये हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का असलूब यानी स्टाइल या अंदाज़े बयान हम जिसको कहते हैं, वो बहुत आसान, आम फहम, सादा और सलीस ज़बान का है, जो आसानी से आम लोगों को समझ में आ सकता है। इससे पहले जो भी अफसाने, अव्वल तो मुंशी प्रेमचंद के सर ही सहरा जाता है कि वो पहले अफसाना निगार हैं, लेकिन इससे कबल भी जो भी एंटरटेनमेंट का या दिल बहलाने का मशगला था, वो या तो दास्तानें हुआ करती थी और या नावल। लेकिन जैसे जैसे वक्त और ज़माना बदलता गया, लोगों के पास वक्त की कमी होती गई और अफसाने का वजूद हुआ। यानी अफसाना प्रेमचंद ने अफसाने की बुनियाद रखी और प्रेमचंद ने अब इतने अफसाने लिखे कि अफसाने को बुलंदी पर पहुंचा दिया, और आज तक भी प्रेमचंद का नाम अमर है अफसानवी अदब में। प्रेमचंद ने बहुत सारे अफसाने लिखे, जिसमें उनके मशहूर अफसाने हैं कफन, जिसको कफन को बहुत बड़ा मर्तबा हासिल है, और कफन जैसा अफसाना बहुत कम लोगों ने लिखा है। उनका शाहकार अफसाना कहलाता है, कफन जो है वो उनका शाहकार अफसाना कहलाता है। ये नमक का दरोगा भी रिश्वत खोरी पर मुबनी अफसाना है, यानी इसका मौजू जो है वो रिश्वत खोरी है। जब नमक का महकमा कायम हुआ और उस खुदावंद नेमत से फ़ायदा उठाने, खुदा दाद नेमत से फ़ायदा उठाने की आम ममानियत कर दी गई, तो लोग दरवाज़े सदर बंद पाकर रोज़न और शिगाफ की फ़िक्रें करने में लगे। आप ये देखिए कितनी अच्छी ज़बान है कि उन्होंने कहा जब नमक का महकमा कायम हुआ, महकमा कहते हैं डिपार्टमेंट को, और इस खुदा दाद नेमत से, यानी ये अल्लाह ताला ने, नमक जो है वो अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, अपने आप पैदा होता है। आपने देखा होगा हमारे राजस्थान में सामर के करीब जो लेक है यानी जो झील है, वहाँ नमक बनता है। तो ये जो खुदादाद नेमत थी, इससे फ़ायदा उठाने की आम ममानियत कर दी गई। ममानियत मतलब पाबंदी लगा दी गई इसके ऊपर कि आम लोग इससे नमक नहीं लेंगे, सरकार ही नमक इससे बनाएगी और वही इसको मार्केट में सप्लाई करेगी। तो लोग दरवाज़ा सदर बंद पाकर, सदर माने जो मेन दरवाज़ा होता है उसको बंद पाकर रोज़न और शिगाफ की फ़िक्रें करने लगे। रोज़न कहते हैं छेदों को, शिगाफ कहते हैं रोज़न से बड़ा शिगाफ, छेद। तो लोग उसमें से, यानी लोग जो हैं वो अपने अलग ही रास्ते निकाल लेते हैं। अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो लोग अपना अलग ही रास्ता निकाल लेते हैं। चारों तरफ खयानत और गबन का बाजार गर्म था। खयानत यानी अमानत में से खयानत करना, दूसरों के माल का हड़पना और गबन करना, इसका बाजार गर्म था। पटवारगिरी का ओहदा छोड़कर लोग सीगा नमक की बरकंदाजी करते थे। यानी पटवारी जो का जो महकमा था, यानी पटवारी के महकमे में भी बहुत सारी आमदनी होती है ऊपर की। पटवारी जो है वो ज़मीनों को नापता है, ज़मीनों की रेवेन्यू इसका डिपार्टमेंट होता है। उसके ओहदे को छोड़कर भी लोग नमक की तरफ, नमक की बरकंदाजी यानी नमक के महकमे में आना चाहते थे और नमक लेना चाहते थे। इस महकमे का दारोगा भी वकीलों के लिए रश्क का बाइस था। इस महकमे का जो दारोगा था
वो वकीलों के लिए रश का बायस था, यानी वो उसकी इनकम इतनी थी कि वो भी उन लोगों के लिए भी, यानी वकील भी बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन वकीलों के लिए भी वो रश्क का बाइस था। रश्क माने उससे हसद करते थे कि इसकी तो इतनी इनकम है। ये वो ज़माना था जब अंग्रेज़ी तालीम और ईसाइत मुतरादिफ अल्फाज थे, यानी जब अंग्रेज़ी तालीम बहुत आम थी और जो अंग्रेज़ी तालीम और ईसाइत यहाँ पर हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का आमद थी और अंग्रेज़ यहाँ पर अपना ब्रिटिश राज कायम कर चुके थे तो ईसाइत भी अपने उरूज पे थी। इसका बखिया हिस्सा हम अगले लेक्चर में पेश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।